भाई देखो, जब मैं ड्रॉप लिया था, मैंने भी ड्रॉप लिया था, और स्पीड होती है भाई, ठीक है, स्पीड होती है। आपका तो तब भी जून 7 को स्टार्ट हुआ था, हमारा हुआ था जुलाई 2, ठीक है, और हमारा खत्म हुआ था यही जनवरी के मिड में, हमारा भी खत्म हो गया था। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट एंड ऑल सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। ऑफलाइन में, ऑफलाइन में जब मैं वहां पर गया था, अब बात वही है कि मैं पढ़ता ही 12-13 घंटे नॉर्मली निकाल लेता था, मतलब अपनी क्लासेस के साथ 12-13-14 घंटे मैं खींचता था, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है। आपने जो ड्रॉप लिया है, मैं वही कहता हूं, एक बार अपनी सिचुएशन से बाहर निकलो, रोना पीटना छोड़ के एक बार बाहर निकलो और प्रैक्टिकल होकर सोचो, आपने जब ड्रॉप लिया था तो आपने क्या सोच के लिया था, क्या सोच के लिया था, हाँ, रिवीजन कैसे कर, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपने क्या सोच के लिया था? आपने ये सोच के लिया था कि यार मेरे को इस बार सिलेक्शन चाहिए। अब उस सिलेक्शन चाहने के लिए बच्चों ने अपने लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाई, क्या मैं डेप्थ में पढ़ूंगा, मैं आराम आराम से पढ़ूंगा, मैं कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, मेरे सारे टॉपिक्स अच्छे होंगे, ये आपने सोचा है, टारगेट आपका सिलेक्शन था। अब मैं बता रहा हूं, जो आपने ये 4-5 चीजें सोची हैं, उसमें से कौन सी चीज आपको सिलेक्शन दिखाएगी आपको भी नहीं पता है, ठीक है। कौन सी चीज, क्या डेप्थ में सोचने का आपके पास समय, आपने ये नहीं सोचा, लेकिन आपने ये सोचा मैं डेप्थ में पढ़ूंगा, समझना मेरी बात, ठीक है। अब बात क्या है, जब आप क्लास में आते हैं तो हम बताते हैं कि भाई आपको, आपने सिलेक्शन सोचा, हम भी आपके सिलेक्शन सोच रहे हैं, लेकिन इस टाइम फ्रेम में हमने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, इस टाइम फ्रेम में इस सिलेक्शन के लिए कुछ और पैरामीटर्स हैं, ये 4 पैरामीटर्स, आपके अपने 4 हैं, मेरे अपने 4 हैं। अब ये कई बच्चों के अलाइन होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कौन लेता है, ये 4, ठीक है। आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। सर मैं नहीं करना चाहता, तो मत करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एंड ऑफ द सेशन होगा, आपका मेजॉरिटी सिलेबस नहीं हुआ होगा। सर मैंने कहा टेस्ट देने इंपॉर्टेंट, सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दे दूंगा, मैं अपना रिवीजन करूंगा उस टाइम पर, कर सकते हैं, बिल्कुल करते भी हैं, हर साल बच्चे करते हैं, और इसीलिए सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं गिरता है कई बच्चों का, ठीक है। आप टेस्ट नहीं देना चाहते, मैं टेस्ट दिलवाना चाहता हूं, ठीक है। जब एंड सेशन होगा, आपको एग्जाम में बैठने से डर बैठेगा, यार मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया, पता नहीं कितने मार्क्स आने वाले हैं मेरे, और जिसने दिया है उसको पता है कि यार मेरे रेंज 150 से 200 या 100 से 150 के बीच में है, मुझे गलतियां नहीं करनी है, अगर मैं केयरलेस मिस्टेक नहीं करूंगा तो 150+ जा सकता हूं, वो उस एटीट्यूड से जाएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आप सोच के आए हैं, उसके हिसाब से ड्रॉप नहीं होता है, उसके हिसाब से 11th 12th होती है। आपने 11th 12th में जो गलतियां करी हैं उसको आप कंपनसेट करने के लिए आपने ड्रॉप लिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं। अब एक सवाल बुनियादी बन जाता है यहां पर, तो सर अगर मैंने ड्रॉप उस सोच के साथ लिया, उन 4 पैरामीटर्स के हिसाब से लिया, और आप इन 4 पैरामीटर्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अगर ये अलाइन नहीं हो रहे तो क्या करो? फिर 2 रास्ते, एक इस रास्ते पर आने की कोशिश, और दूसरा गिव अप। ये डिसीजन आपका है, ये डिसीजन आपका है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाते हैं, कई ही, कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी स्ट्रेटजीज काम करती हैं, सबकी नहीं करती है, ठीक है। अगर एज ए टीचर मैं आपको बोलूं तो एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें, जब पढ़ाया जा रहा है फुल कंसंट्रेशन के साथ चीजों को सुनिए और प्रैक्टिस करिए, इससे सिंपल स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, ठीक है, इससे सिंपल स्ट्रेटजी कुछ नहीं है। तो अब अलाइनमेंट की बात है, अब अलाइनमेंट की बात है। मैंने पिछली क्लास में भी ये बात बोली थी, स्पीड की बात है, तो जो बच्चे स्पीड वाली इशू के साथ हैं, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं बेटा, आप भी मेरी प्रॉब्लम समझिएगा, मैं बिल्कुल प्यार से बोल रहा हूं, कोई गुस्सा नहीं है, और मैं आपकी प्रॉब्लम कल बहुत सोचा है कि मेरे को बच्चों को बोलना क्या है। आप 1.2 ज्वाइन करिए, सलीम सर हैं, बेस्ट हैं भाई, ठीक है। रीजन मैं आपको क्यों कह रहा हूं 1.2 ज्वाइन करिए, अगर आपकी स्पीड का इशू है, आपने 11th 12th लिटरली कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा है, ओके, तो आपका अगर स्पीड का इश्यू है वह 1.0 ज्वाइन कर सकते हैं। सर के पास लेक्चर प्लानर में नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा है। अब जिनका है कि नहीं सर मेरे को अभी 1-2 महीने कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या हो गई है, मैं स्पीड मैच कर सकता हूं, तो आप 3.0 भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर स्पीड इज नॉट एन इश्यू, क्योंकि 3.0 के पास नंबर ऑफ लेक्चर्स फिर से कम होंगे, मेरे से भी कम मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बच्चे वहां जाके कहेंगे सर आप तेज पढ़ा रहे हो, अरे भाई तेज पढ़ाना पड़ेगा, क्या आपने लेक्चर प्लानर नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा कि जनवरी में आपका एग्जाम होगा, क्या आपने नहीं देखा स्टार्टिंग डेट कौन सी है, क्या आपने नहीं देखा कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं? ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल सोचो एक बार निकल के प्रॉब्लम से, अपने आप आपको टीचर का भी पेन समझ आएगा, अपना भी पेन समझ आएगा। पीडब्ल्यू ने आपको ऑप्शन दिए हैं, बेस्ट फैकल्टीज 3.0 में भी आएंगे, 1.0 में भी है, 2.0 में भी है, आपके लिए
जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है आप उससे पढ़िए बेटा। सिलेक्शन लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालतू की चीजों में घुसना नहीं कि कौन बेटर है कौन नहीं है, सारे अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप जिससे अपना बेस्ट निकलवा पाए वो आपके लिए है। कई बच्चे इसको टीचर्स की फाइट समझते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता उस चीज को। हर टीचर जब इस क्लासरूम में और इस बोर्ड के सामने आते हैं तो शिद्दत से ही पढ़ाता, मेरे सोच में तो यही है। जब आपको अपना बेस्ट किसी टीचर से मिलने लग जाए वो ही आपके लिए भगवान बन जाता है, ठीक है। कईयों के लिए मैं हो जाऊंगा, कईयों के लिए सलीम सर हो जाएंगे, कईयों के लिए तनुज सर हो जाएंगे, कईयों के लिए रोहित गुप्ता सर रहेंगे, कईयों के लिए युग सर रहेंगे, कईयों के लिए शिवेंदु सर रहेंगे। सब ही अपना बेस्ट दे रहे हैं। आपको ये समझदारी शो करनी है कि आपको बेस्ट किस में से निकलना है, आपका बेस्ट कहां से निकल रहा है। अगर आपकी स्पीड इशू है, कंटेंट इशू है, लैंग्वेज इशू है, राइटिंग इशू है, इंग्लिश, बहुत सारी चीजें हैं, जहां आपको सेटिस्फाई होता रहे वहां पर आप पढ़ते रहिए। पीडब्ल्यू ने आपको इतने मौके दिए हैं भाई। ऑफलाइन में आपके पास एक टीचर रहता है, ठीक है, एक टीचर रहता है। बैच चेंज होता है आपका तब जब आपकी रैंक आती है, ये सच्चाई है। मैं किसी भी ऐसी चीज नहीं बोलूंगा ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, होता है भाई, ठीक है। आपको यहां पर ही तीन टीचर मिल रहे हैं, अब आप ऑल टाइम कूदते रहेंगे, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। आपको लगता है कि यार मेरी स्पीड इशू, आप सलीम सर के साथ जा सकते हैं, सर के पास नंबर ऑफ लेक्चर्स अच्छे खासे हैं, तो वो आराम से आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे साथ मैच हो रहा है, आप मेरे साथ लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, सर से भी बच्चे लड़ते झगड़ते रहते, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाते रहेंगे। थ्री पॉइंटों का जो टीचर आएगा उसको भी आपको स्पेस देना पड़ेगा, उसके पास टाइम कम होगा उसको पढ़ाना, ठीक है। तो प्लीज मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा आपका सिलेक्शन मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए है, ठीक है। मैं यही कंटेंट सभी को हर साल पढ़ाता आया हूं। कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होता, और मैंने कहा था इस बार प्रयास में, ठीक है, कि आपका फेलियर मेरा फेलियर भी रहा है। क्यों, कौन सी बातें आपने मेरी नहीं सुनी, कौन सी चीजें आपने ऐसी नहीं करी जो दूसरे बच्चों ने कर ली मेरे प्रेजेंस में और आपने नहीं करी, वो आपको इस साल सुधारना है। और आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर वो कोई बोल रहा है आपको, आपका दोस्त मित्र सीनियर, कि नहीं भाई ये ऐसी तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। या तो वो दुनिया का सबसे तेज इंसान है या फिर वो झूठ बोल रहा है, दो ही ऑप्शन। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। हमारा कर्तव्य ये है कि हमने अगर पढ़ने का जिम्मा उठाया है तो हमें उससे लड़ना पड़ेगा, हमें सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। तो एंड आई होप कि आज आप दिन की शुरुआत अपनी पॉजिटिविटी के साथ करें और ये मान के चले कि ये साल आपके लिए स्ट्रगलिंग ईयर है। मान लीजिए आपको स्ट्रगल से, जब होता है ना कि आपको पता है कि आपको थप्पड़ पड़ने वाला है तो आप पहले से रेडी होते हैं, वो इतना दर्द नहीं देता। अगर कोई अचानक थप्पड़ मार देता है ना, तब आपको लगता है यार ये क्या हो गया। तो आप पहले ही मान लीजिए कि भाई इस साल तो दर्द ही दर्द है। तो जब आप दर्द को एक्सेप्ट कर चुके होंगे तो ये जो पेन है, सर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरे को ये दिक्कत है, मैं 13 घंटे, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आप खुशी खुशी करेंगे। जो दिन में 2-3 मिनट आप रोते हैं ना, वो भी बर्बाद नहीं करेंगे। क्लियर, क्लियर, टाइम।